मुरादाबाद निवासी रामेश्वर दयाल तुरेहा जिला प्रमुख शिवसेना के खिलाफ थाना मंझोला में 419-420 आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। दर्ज कराने वाले मेरठ निवासी धर्मेंद्र तोमर ने आरोप लगाया था कि रामेश्वर दयाल तुरेहा जिला मुरादाबाद के जिला प्रमुख नहीं है, सामाजिक कार्य धरना प्रदर्शन करते हैं और अधिकारियों पर प्रभाव डालते हैं। इस एफआईआर के खिलाफ रामेश्वर दयाल तुरेहा ने माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। याचिका के अधिवक्ता बीडी निषाद भूपेंद्र ने जोरदार बहस करके कोर्ट को बताया कि इस केस में 419-420 का कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि 419-420 में रामेश्वर दयाल तुरेहा के खिलाफ किसी प्रकार की चीटिंग, धन उगाही और किसी के खिलाफ धोखाधड़ी करके धन कमाने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए यह केस सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को सीधे गिरफ्तारी से रोकती है, अतः इस गिरफ्तारी को तत्काल रोका जाए, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करती है। हाईकोर्ट द्वारा कार्य पर रोक लगाए जाने पर जब शिवसेना प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर, धरना प्रदर्शन के दौरान आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या रहा उस मुकदमे का और क्या कोर्ट से राहत मिली आपको? जी, लगभग एक साल पहले थाना मंझोला अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था, तो उसके परिजन लगभग 47 दिन से एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर अपहृत लड़की की बरामदगी एवं अभियुक्त विष्णु शर्मा की गिरफ्तारी हेतु धरने पर बैठे हुए थे। तो हमारा संगठन शिवसेना भी भूख हड़ताल पर बैठा था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ, लड़की सकुशल बरामद नहीं हुई, तो शिव सैनिक भी एडीजी कार्यालय बरेली पर आंदोलन करेंगे। तो इस संबंध में तत्कालीन एसएसपी पवन कुमार जी ने हमारे शिव सैनिकों को डराने धमकाने हेतु थाना मंझोला में जो फर्जी शिव सैनिक थे उनकी पुरानी एप्लीकेशन खोज कर उस पर धारा 419-420 का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिस संबंध में हम लोग हाईकोर्ट पहुँचे और हमारे अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में बहस की, जिसमें हमारे ऊपर 420 और धन उगाही का कोई ऑप्शन नहीं बनता था। हमारे अधिवक्ता बीडी निषाद जी ने जोरदार बहस की तो माननीय हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हमारी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट से राहत मिली है? जी, कोर्ट से राहत मिली है, अब पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा, वो जो लड़की थी वो बरामद हो गई थी? जी, लड़की बरामद हो गई थी और अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लगभग 47 दिन धरने पर बैठने के बाद। अब इस केस में आगे आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? आगे ये है कि हम इसे हमने अभी हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और हम आगे भी इसे चैलेंज करेंगे।